मुझे एक्चुअली घाट का फिर से मुझे एक्सपीरियंस लेना है, क्योंकि लास्ट टाइम हम जब गए थे लोनावाला घाट में वो तो नेक्स्ट लेवल ही व्लॉग बना था, बट इस बार लोनावाला के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा हार्ड है घाट। अगर देख पुलिस वाले का काहो बे आए रे, चेकिंग चालू आए। एक्चुअली ये वीडियो सुबह ही ख़त्म हो जाता और यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो एक क्लिप थी वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, इसीलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। और ये खास पार्ट है मुझे लगता है इस वीडियो का, क्योंकि वही रिकॉर्ड नहीं हुआ तो मतलब क्या है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल, कैसे हो आप सब। तो गाइज आज है संडे और हम फिर से निकल चुके हैं एक नई सफ़र पे, एक नई राइड पे। तो राइड कुछ नहीं, एक ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पे एक 20-30 किलोमीटर जाने वाले हैं हम लोग। मुझे एक्चुअली घाट का फिर से मुझे एक्सपीरियंस लेना है, क्योंकि लास्ट टाइम हम जब गए थे लोनावाला घाट में वो तो नेक्स्ट लेवल ही व्लॉग बना था, बट इस बार लोनावाला के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा हार्ड है घाट अगर देखे जाए तो, और थोड़ा नैरो भी है। सो यहाँ पे मज़ा आने वाला है, तो व्लॉग में बने रहिए और सब्सक्राइब और आपके भाई के चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिए। सो हमारे साथ और एक जन है जो स्कूटी पे, उसको हम लोग अभी थोड़ा क्या बोलते हैं टैकल करते हैं। अभी किधर है क्या पता, थोड़ा हमसे आगे निकल गया है क्योंकि हम लोग पेट्रोल भराने रुक गए थे। मेरे हिसाब से ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे वो। कहा था ना मैंने ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, ये रहे बोल लोग। पुलिस वाले का काहो बे आए रे, चेकिंग चालू आए। वेरी गुड काका, वेरी गुड। तो गाइस आप सभी को दिख रहा होगा ये सामने वाला जो पहाड़ है, वहां पे हम लोग जाने वाले हैं ऊपर, लेफ्ट टू माथेरान, लेफ्ट टू माथेरान। और गाइस यहाँ से अभी ये घाट शुरू हो चुका है और घाट का मजा लीजिए आप अभी। अभी घाट थोड़ा रुका सुका है, बट मतलब यहाँ पे हरियाली नहीं है। खड़ी 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 थोड़ी गाड़ी स्लो करा भी लागे। आई गेस यहाँ पे भी रोड का काम चल रहा है। ये घाट थोड़ा नॉर्मल घाट से थोड़ा सा मतलब नैरो है, और यहाँ पे ना क्योंकि ज़्यादा व्हीकल्स चलते नहीं है, बस वो जो इको वाले रहते हैं और जो हिल स्टेशन पे जाने वाले रहते हैं वही लोग रहते हैं यहाँ पे, तो इसलिए इस घाट में कुछ ज़्यादा गर्दी है नहीं। हाँ जुमा पट्टी आ चुके हैं, जुमा पट्टी। गाड़ी को ना एकदम थोड़ा सावली में खड़ा करते, इधर इधर सावली। रिव्यू मेरे से लेंगे ना, बहुत अच्छे अच्छे शब्द आ रहे हैं, बट अभी मैं थोड़े फटके चार हो गई थी मेरी भी। फटके चार नहीं गाइस, वो दरवाजा बोलते हैं ना एकदम।
नहीं बट मुझे ना एक्चुअली वो घाट में ऐसा मजा आता ना बाइक चलाने, गाड़ी से टोए टोए होते हैं वो, इसके वो सब ठीक है घाट में तुमको मजा आता है पर हमारा फाट गया उसका क्या हमारा भी फाटता है। अभी दूसरे जन को देखते क्या सीन है उनका। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली 5 दिन पहले गाड़ी को हुआ क्या था, हमने क्यों धक्का मार के पूरा 1 से 2 किलोमीटर गाड़ी को घर पे लेके गए थे। सो हुआ क्या था कि रात के बज गए थे अराउंड 8:30 के आसपास और मैंने सुबह गाड़ी जब धोई थी तो वो पानी जो था धोते समय ये अपना जो पेट्रोल का ये है ना कॉर्नर, इसमें से पानी अंदर चला गया था टाकी में और इधर ना ये साइड में एक छोटा सा होल है तो वो उस होल में से टाके में पानी चला गया था। और फिर प्रॉब्लम क्या हुआ कि वो जो पानी था वो पेट्रोल के साथ मिक्स हो गया और वहीं से वो गाड़ी बंद हो गई और गाड़ी ने पिकअप ही नहीं लिया। तो ये कुछ रीज़न था। तो नेक्स्ट डे तो रॉयल इनफील्ड वालों ने आए थे घर पे, मतलब बिल्डिंग के नीचे आए और उन्होंने देखा कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। पहले उन्होंने बैटरी देखा, फिर बाद में ये साइड में जो करंट पास करने का चीज़ है इसको देखा, बट ये सब सही था। फिर बाद में उन्होंने ये साइड से एक पाइप रहता है यहाँ पे, ये वाला आई गेस, तो उन्होंने खोला तो उसमें से पूरा पानी निकला। एंड देन उन्होंने बताया कि बाइक को शोरूम ले जाना पड़ेगा क्योंकि पूरा जो टंकी है वो पूरा साफ करना पड़ेगा। तो वो लेके गए बाइक को वहाँ पे और पूरा जो टंकी था उसमें से पूरा पेट्रोल निकाला, उसको जो वो जो वैक्यूम रहता है उनके पास उसे पूरा क्लीन किया। उसके लिए उन्होंने पहले ये सीट निकाला और टंकी निकाला। तो मेरी तो फटके 4 हो गई थी क्योंकि पूरे गाड़ी उन्होंने खोल दी थी इन द सेंस। और फिर बाद में उन्होंने पूरा टंकी क्लीन किया और उसमें से एक्चुअली मेरा जो पेट्रोल था वो 1 से 2 लीटर पेट्रोल खराब भी हुआ है उसके वजह से। और ये कुछ रीजन था। तो अगर आप गाड़ी धोते हो तो संभाल के धोइए, खास करके मेटियर को। तो मेटा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है बट एक अराउंड हमें 500-600 का फटका तो बैठा है। तो यही था वो रीजन हमारी बाइक क्यों बंद हुई थी। सो दैट्स इट। ये वीडियो सुबह ही ख़त्म हो जाता और यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो एक क्लिप थी वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, इसीलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। और ये खास पार्ट है मुझे लगता है इस वीडियो का, क्योंकि वही रिकॉर्ड नहीं हुआ तो मतलब क्या है। सो इसलिए मैं अभी शाम को यहाँ पे आया हूँ, मस्त वाली ठंडी हवा चल रही है और कुछ ही देर में यहाँ पे सनसेट भी होगा। तो फिलहाल अपना काम कर लेते। सो काम कुछ ये था कि मुझे अपनी बाइक का नामकरण करना था और पूरे 1 साल हो चुके हैं और मैंने अभी तक अपने बाइक का कुछ नाम नहीं रखा है। सो नाम तो मैंने 3 या 4 महीने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि क्या रखूँगा, बट मैंने सोचा कि जब अपने बाइक को 1 साल पूरे हो गए तभी मैं ये नाम उसमें रख दूंगा, मतलब बाइक के फर्स्ट बर्थडे के दिन में ये नाम रख दूंगा। सो इसके पीछे की पहले आपको एक स्टोरी बताता हूँ नाम के पीछे की और उसके बाद में आपको बताऊंगा कि गाड़ी का नाम क्या है। सो आपको अगर पता होगा तो मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ एज अ सिविल इंजीनियर। सो मैं एक साइट पे गया था और उस साइट पे मैंने अपने बाइक को पार्क किया था और वॉचमैन अंकल को बोला कि अंकल ध्यान रखिए नई गाड़ी है। सो उन्होंने अच्छी तरीके से ध्यान भी रखा
और जब मेरा काम ख़त्म हुआ उस साइट पे का, तो मैंने देखा कि वॉचमैन अंकल मेरे बाइक पे मस्त एकदम बैठे थे और फुल ऑन मज़े उठा रहे थे बाइक के। सो मैंने पूछा अंकल कि कैसे लग रही है गाड़ी, मस्त लग रही है, मतलब अच्छी लग रही है कि नहीं। तो फिर उन्होंने बताया कि मतलब पहले उन्होंने तो ये पूछा कि कितने की गाड़ी है ना, सो मैंने बता दिया वो। और उसके बाद तो अंकल ने एक ही बात बताई मुझे कि ये राजा गाड़ी है, राजा गाड़ी, मतलब बैठने के बाद फुल ऑन राजा का फील आ रहा है। तो तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि अपनी गाड़ी का नाम कुछ इस पे से रखेंगे। सो अपनी गाड़ी का नाम है राजा। आई नो ये थोड़ा सा मतलब बोलने का थोड़ा ओल्डिस्ट लग रहा होगा, मतलब पुराने ज़माने का लग रहा होगा, बट सही में मुझे ये जब मतलब मैं जब इस गाड़ी पे बैठता हूँ या फिर चलाता हूँ तो मुझे सही में वो वाली फीलिंग आती है। और इसीलिए हमारी अभी इस बाइक का नाम हमने रख दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और या मिलते हैं अगले वीडियो में।